आपको डिवाइडर पुराने पड़े हुए हैं उनको हटवाकर एक सिस्टमेटिक हम थोड़ा सफाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मौका बकरीद का भी है, पता नहीं बाहर के लोग हैं यहाँ लाके मशीनें खड़ी करते हैं जिससे कि हमारी सफाई नहीं हो पाती है। अब मजबूरन हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। दोस्तों हम सब जानते हैं ओखला के लोगों को जिस बात की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो है रोड पे गंदगी, और कई कई कार ऐसी है जो महीनों से सालों से बगैर किसी यूज़ के रोड पे रखी रहती है। मैं अभी गुजर रहा था ओखला की तरफ से ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मुझे आसिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ पे सफाई करते हुए मिले। ये बता रहे हैं कि ये जितनी गाड़ियाँ रोड पर लगी हुई हैं जिसको कभी इस्तेमाल ही नहीं होता है एक तो हम कोशिश कर रहे हैं उसे हटा दें, और पूरा रोड कम से कम इतना तो रहे कि आम आसानी से लोग इधर से उधर जा सके, इस रोड का यूज़ कर सके। आजी साहब अभी आप यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? देखिए हम सुबह से लगे हुए हैं, इतनी तपिश में 50 के आसपास टेम्परेचर होगा 48 के, मैं सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ रेत के टीले से लेके कालिंदी कुंज तक। हम जहाँ जहाँ मलबे हैं, जहाँ रोड साइड में कुछ गाड़िए हैं, कुछ डिवाइडर पुराने पड़े हुए हैं उनको हटवाकर एक सिस्टमेटिक हम थोड़ा सफाई करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मौका बकरीद का भी है और उसकी भी हम तैयारियां कर रहे हैं कि जगह जगह टीपर खड़ा करेंगे हम। एक या दो दिन के अंदर हम मस्जिदों के ज़रिए अनाउंसमेंट करवाएंगे कि अबुल फजल शाहीन बाग में कहां कहां हमारा टीपर खड़ा रहेगा, जहां लोग उसमें आत ओझड़ी डालें, पॉइंट्स बनाएंगे पट्टी ख़ास तौर से, और वहीं से हमारी गाड़ियाँ उठाएँगी। उसी के तहत हम चाहते हैं कि मेन रोड पर एक दो गाड़ियाँ अभी जो हमने खड़वाई उठाई है कम से कम एक साल से खाली ढांचा खड़ा हुआ है यहाँ जमात इस्लामी के सामने, उसको उठा के फुटपाथ पे हमने रखा है, एक डिवाइडर पड़ा हुआ है टूटा हुआ, और ये मशीनें हैं जो यहाँ पर ढलाई करती हैं और उन्होंने ये एक पार्किंग पॉइंट बना दिया है, पता नहीं बाहर के लोग हैं यहाँ लाके मशीनें खड़ी करते हैं जिससे कि हमारी सफाई नहीं हो पाती। तो हम कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ एक बेहतर तरीके से थोड़ा सा जमात इस्लामी के कंपाउंड के सामने से भी स्क्रैपिंग करवा दें। आज हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 20 डंपर मिट्टी और मलवा इकट्ठा करवाया है जगह 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 जगह। अब आज रात को या कल रात को MCD के ट्रक आएंगे और डंपर, और वो डंपर इसको उठाकर लेकर जाएंगे। अच्छा मैंने देखा अभी आपको अपने कार यहाँ से हटवाई जो रोड पे सालों से लगी हुई थी, ऐसी बहुत सी कारें हैं जो आपके जो अरीबा वाला वार्ड है उसमें मैंने बहुत जगह देखा है, चलखुटा रोड बहुत लोग लगाए हुए हैं, कुछ लोग इधर जो वो वाली रोड है हरिकोटी वाली, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप कि या तो उसके जो मालिक है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए या उसको हटाने की कोशिश? अब मजबूरन हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, और आम लोग नेताओं की मजबूरियाँ नहीं समझते कि हर अतरा सा आदमी उनको वोट के नाम पर ब्लैकमेलिंग करता है। हम पहले कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं, कन्विंस करें, अवेयरनेस पैदा करें, लेकिन लोग इतने ढीठ हो गए कि बिल्कुल बिला डंडे के सुधरने को तैयार नहीं। मजबूरन जब एक्शन होता है तो फिर ये कहते हैं कि जी हम तो मुसलमान हैं, हमारे साथ तो ज़्यादती की जा रही है। आप एक बात बताइए, आप मुसलमान हैं, आपकी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, 100% मुस्लिम एरिया है, तो आप आने वाली नस्लों के लिए आप जहन्नुम बना रहे हो इस जामिया नगर को, जहाँ पढ़े लिखे लोगों का एरिया था। अब आप ये देखिए कि 200 मीटर के एरिए में कम से कम 10 लड़के मैंने खड़े कर रखे हैं, मैं एक तरफ से सफाई का भी बीच में से हटके कहीं जाते गाड़ी लगा के पार्क चले जाते, अभी इसी बीच में 3 गाड़ियाँ यहाँ पार्क लग गई हमारी सफाई करते करते। यही सवाल है मेरा आसिफ भाई, आप इतनी मेहनत से इसको सफाई कर देंगे, आप तो आम लोगों के लिए कर रहे हैं जिस पर लोग चलेंगे या फिर कारें जाएंगी, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है जैसे आप सफाई करके गए इसके फौरन बाद ही वो यहाँ पे कार ला के अपनी लगा देते। बिल्कुल नहीं, कम से कम हमें सफाई तो जब हम सफाई कर रहे हैं उस टाइम तो आप कम से कम कार नहीं लगाइए। अब ये JCB है, इसका इतनी हैवी मशीनरी है, किसी की महंगी कार में अगर जरा सा टच हो जाता है वो तो आके गाली गलौज करने लगता है, JCB वाले के साथ MCD वालों को मारने पीटने लगता है। अगर हम उनसे कहते हैं कि भैया सफाई हो रही है, आप कहता मैं अभी आया 5 मिनट में, और गाली लगा के चला जाता है 3-4 घंटे के लिए। आप बताइए, मशीन हम हायर करते हैं
है ना, ये 1200 रुपए घंटा एमसीडी इसको हायर करके मंगाती है, एक दिन का कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपए इसका एमसीडी पेमेंट कर रही है। अगर ये खाली एक एक जगह के हटा के फिर 2 घंटे खड़ी है फिर एक के हटा रही है तो ये तो पैसे की बर्बादी है। अब आप इतनी से एरिया में देखिए कि कितना तकरीबन 2 डंपर आप ये देख लिए 20-30 मीटर एरिया में 2-3 डंपर मिट्टी यहाँ से निकली, कोई भी समझने को तैयार नहीं है शिवली साहब।